यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चंबा की बात करेंगे। चंबा के दौरे के समापन के बाद शिमला पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हिमाचल में जो पानी की समस्या आ रही है, इसका मुख्य कारण बर्फ का न पड़ना और बारिश न होना है। जयराम सरकार ने अपनी तरफ से ये सफाई देते हुए कहा कि पानी की समस्या को लेकर जितना संभव हो रहा है उसके लिए उचित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जनता को पानी मिल सके। जहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा सकता है वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी संकट की परिस्थिति में धरना नहीं बल्कि मिलजुल कर इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। हिमाचल और शिमला की जनता से मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है कि ये पानी की समस्या जल्द से जल्द दूर करवा दी जाएगी, पानी का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करें। हमारी मुश्किल है कि पानी के स्रोत में पानी कम हुआ, उसकी वजह यह थी कि बर्फ नहीं पड़ी, बारिश नहीं हुई और आज तक की इसमें शायद मेघालय में सबसे न्यूनतम इस पर पानी चला गया है शिमला खासतौर से, और उस दृष्टि से वो संकट है। लेकिन फिर भी हमने जो भी संभव हो सकता था उसके लिए प्रयत्न किए हैं। हमने टैंकर्स की व्यवस्था की है, टैंकर से जहाँ पानी पहुँचाया जा सकता है वहाँ टैंकर्स के माध्यम से। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से, खासतौर से शिमला में रहने वाले सभी भाई बहनों से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि ये संकट कुछ दिनों के लिए है, लंबा समय जो है इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी।